नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार के सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा सह स्वास्थ्य अनुदेशक के रिक्त पदों पर बहाली की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। चुनाव को लेकर जारी आदर्श आचार संहिता के समाप्त होते ही इसकी तैयारी शिक्षा विभाग के प्राथमिक निदेशालय में तेज हो जाएगी। हाल ही में राज्य में प्रारंभिक स्कूलों में शारीरिक शिक्षा सह स्वास्थ्य अनुदेशक के 8,386 पद रिक्त हैं और शिक्षा विभाग ने इन रिक्त पदों की स्वीकृति पदवर्ग कमेटी से पहले ही करा ली है। नियुक्ति को लेकर राज्य मंत्रिमंडल की भी स्वीकृति मिल चुकी है। 8,000 रूपए मासिक मानदेय पर यह नियुक्ति होनी है। शारीरिक शिक्षा अनुदेशकों को शिक्षा विभाग की तरफ से 200 रूपए सालाना वेतन वृद्धि का लाभ भी दिया जाना है। मिली जानकारी के अनुसार विभाग को इनकी बहाली को लेकर दो मुख्य काम अभी करने हैं। एक तो यह निर्धारित करना है कि बहाली की प्रक्रिया क्या अपनाई जाए। यदि नियोजित शिक्षकों की तर्ज पर यह नियुक्ति की गई तो प्रखंड नियोजन इकाई को नियुक्त प्राधिकार बनाया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जो दूसरा और अहम काम जो बचा है वो रिक्त पदों का आरक्षण रोस्टर क्लियरेंस है। साथ ही साथ विभाग की तरफ से अभी जिलों को पद भी आवंटित करना है। शिक्षा विभाग के आधिकारिक सूत्रों की माने तो शारीरिक शिक्षा अनुदेशकों की नियुक्ति की प्रक्रिया क्या रखी जाए, इसको लेकर शिक्षा विभाग ने सामान्य प्रशासन विभाग से मार्गदर्शन की मांग की है। 2 सप्ताह पहले ही इसको लेकर प्राथमिक शिक्षा निदेशालय की तरफ से सामान्य प्रशासन विभाग को पत्र भेजा गया है। वहां से मार्गदर्शन मिलते ही निदेशालय की तरफ से नियुक्ति की प्रक्रिया आरंभ कर दी जाएगी। सूत्रों की माने तो इसमें अभी 15 दिन और का समय लग सकता है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि इन दिनों बिहार में पंचायत चुनाव चल रहे हैं। हालांकि अब यह अपने अंतिम पड़ाव में है, लेकिन अब तक पंचायत चुनाव को ध्यान में रखते हुए बहाली की सभी प्रक्रियाओं को रोक दिया गया था, जिसके बाद अब पंचायत चुनाव के समापन के साथ ही बहालियों की सुगबुगाहट भी तेज हो गई है। जिसके साथ ही राज्य में प्रारंभिक स्कूलों में शारीरिक शिक्षा सह स्वास्थ्य अनुदेशक के 8,386 पद पर बहाली का सिलसिला जल्द ही शुरू होने वाला है। साथ ही शिक्षकों का लंबा इंतजार भी अब खत्म होने वाला है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।